हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग का शेयर करने वाली होली के लिए सिंपल मेकअप लुक। तो कैसे करना है सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो जो सिंपल मेकअप लुक होता है, आजकल सब लोग सिंपल ही मेकअप ढूंढते हैं और बस स्किन ग्लोइंग दिखे एंड कोई डार्क स्पॉट्स है तो वो हाइड हो जाए। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल स्क्रीन पे शो हो और आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। एक और चैनल है मेरा प्रीति वाई टू, जिसपे मैं सिलाई एंड ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। तो ब्लॉग वीडियो देखना में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस चैनल पे जाइए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले अपने फेस का सीटीएम करना है, सीटीएम क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो मेरे फेस का हो चुका है तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। सीटीएम की डिटेल वीडियो में नेक्स्ट टाइम बता दूंगी आपको। तो अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ होली के लिए सिंपल मेकअप लुक एंड हेयर स्टाइल की वीडियो मैंने डाल दी है होली स्पेशल करके, आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉइस्चराइजर तक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा प्राइमर का। प्राइमर को स्किप नहीं करना है। प्राइमर नहीं लगाने की वजह से आपका मेकअप जो होता है बाद में चल के ग्रे हो जाता है, या फिर जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं फाउंडेशन के संपर्क में आते हैं। जैसे फाउंडेशन हम लोग लगाते हैं तो ऑक्सीडाइज होके आपके मेकअप को ब्लैक कर देते हैं। तो प्राइमर लगाओगे तो जो आपका ओपन पोर्स है उसको ये ढक देगा, जिसकी वजह से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इतना सा प्राइमर मैंने लिया है। प्राइमर जो है वो हुड्डा ब्यूटी का है, काफी अच्छा प्राइमर है। लैक्मे का भी मैंने यूज किया काफी लॉन्ग टाइम तक, एंड हुड्डा ब्यूटी का भी प्राइमर काफी लॉन्ग टाइम तक यूज किया है। हमारा जो ओपन पोर्स होता है जहाँ पसीने आते हैं वो ये एरिया ज्यादा है एंड फोरहेड पे, तो इससे अप्लाई कर लेना है। जो भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ना है ताकि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। समझ में आ रही है ना? इस तरीके से लगा दिया, इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे। अब इसके बाद आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। फाउंडेशन अपने स्किन के शेड से मैच होता हुआ लेना है एकदम। मेरे पास दो शेड अवेलेबल है। ओ ये देखिए, ये फिटमी का है एंड ये लैक्मे 9 to 5 का है। तो दोनों ही मेरे शेड के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब डार्क है बट चल जाता है फाउंडेशन, थोड़ा एकदम मैचिंग भी चलेगा। और एक से दो शेड लाइटर भी ले सकते हो, तो ये थोड़ा सा लाइट है। आप आई होगा आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ से मैच करता हुआ है। बहुत ज्यादा लाइटर नहीं ले सकते हो, आपका फेस जैसे हमेशा धूप उप के संपर्क में आने से थोड़ा सा हाथ हाथ के मुकाबले थोड़ा सांवला पड़ जाता है, बट आप हाथ से मैच करके ले सकते हो, यानी या तो अपने फेस से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता होगा। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे ये वाला यूज कर रही हूँ, सॉरी लैक्मे 9 to 5 का। इसमें इस तरीके का पंप दिया हुआ है जो कि काफी अच्छा लगता है मेरे को। ज्यादा फाउंडेशन नहीं लेना है। अगर आपके फेस पे डार्कनेस की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल है, डार्क कुछ भी डार्क पैचेस है, छाई वगैरह का दाग है, तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर लोगे एंड उसको अप्लाई करोगे। ये है ऑरेंज कलर करेक्टर, ये एलिगेंस का है, काफी अच्छा है। मैं काफी लॉन्ग टाइम से इसको यूज कर रही हूँ बट मेरे फेस पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज का। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो डार्क सर्कल को कैसे हाइड करेंगे उसके लिए वीडियो मैंने डिटेल में पूरा स्टेप बाय स्टेप करके डाला है। तो जैसे आप लोग हेयर स्टाइल की वीडियोज देखते हो, प्लीज मेकअप की भी वीडियो देखा कीजिए, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है मेरी मेकअप की वीडियोज। तो बहुत ज्यादा नहीं यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने लिया है एंड अपने आईज पे इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करने से भी क्या होता है कि आपका जो मेकअप होता है वो रेडनेस में आ जाता है, तो बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे ये निकल गया बहुत ज्यादा कलर करेक्टर मेरा। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा कैमरा और पास कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आजकल पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो पिंपल्स पे आपको ग्रीन कलर करेक्टर लगाना है, बट बहुत बड़े पिंपल्स नहीं है तो मैं यही वाला यूज कर ले रही हूँ। लेकिन आपको अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप ग्रीन कलर का कलर करेक्टर यूज करोगे। ओके, देन इसको ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके मिक्स कर देना है। बहुत ज्यादा कलर करेक्टर आपके फेस पे दिखना नहीं चाहिए। ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स करने का यही मेन कारण होता है कि ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके मेकअप को खराब नहीं होने देता है। तो फिंगर टिप से भी यूज कर सकते हो बट बहुत कम प्रोडक्ट लेके। बट अगर आपको प्रॉब्लम है ज्यादा, जैसे रेडनेस वगैरह हो जा रहा है, पूरा प्रोफेशनल मेकअप चाहिए, पूरा प्रोफेशनल मेकअप चाहिए, तो आप इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से यूज कीजिएगा। उसके बाद अपना कंसीलर या फाउंडेशन जो भी है आपके पास वो यूज करना है। तो ये भी मेरे पास मैक का कंसीलर है, काफी लॉन्ग टाइम से लिया है। तो अगर आपने कलर करेक्टर लगाया है तो डायरेक्ट फाउंडेशन आप यूज नहीं कर सकते हो, इतना सा कंसीलर लिया। ये फाउंडेशन है मेरा, ये कंसीलर है। तो इसको इस तरीके से
जहां जहां मैंने कलर करेक्टर लगाया था वहां वहां अप्लाई कर रही हूँ। कुछ पूछना होगा तो बीच में पूछ लीजिएगा, ठीक है? और दिस बिल्कुल सिंपल लुक बता रही हूँ, अगर डार्कनेस है तो इस तरीके से करना है, नहीं तो आप सीधा फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो हमने कंसीलर लगाया उसकी वजह से हमारा जो रेडनेस था वो एरिया कवर हो गया और डार्क सर्कल भी पूरी अच्छे से हाइड हो चुकी है, हो गया ना। अब आपको लेना है फाउंडेशन। फाउंडेशन को डायरेक्ट अपने आईज के नीचे नहीं लगाया जाता है, इस तरीके से फेस पे टैप टैप कर लो और दैट्स इट, मिक्स कर दो इसको इस तरीके से। मिक्स करते करते आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे, ठीक है? कंसीलर लगाया था ना अभी, हाई डार्क सर्कल को यूज करने, नहीं बहुत ज्यादा हैवी मेकअप होता है या नाइट मेकअप कर रहे हो तो आप कंसीलर यूज करोगे, या फिर आपको थोड़ा सा हैवी मेकअप चाहिए तो कंसीलर यूज कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको लगाना है तो बिल्कुल लाइट में, ज्यादा नहीं लगाना है, दिन का टाइम है एंड लाइट मेकअप का यहाँ पे बता रही हूँ, तो आपको बिल्कुल लाइट कलर यूज करना है। कंसीलर कहाँ रखा हुआ है? तो ये लैक्मे 9 to 5 का कंसीलर है, बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से थोड़ा सा कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ, आईज के ऊपर भी यूज कर लेंगे, यहाँ पे बस इतना का यूज करना है, अपर लिप पे, ठोड़ी पे एंड फोरहेड पे, इससे ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है? देन इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप सोच रहे हैं मैं उधर देख के क्यों कर रही हूँ, तो इधर मेरा मिरर है जिससे मुझे इजी हो रहा है इसलिए मैं उस साइड फेस कर ले रही हूँ। तो ये मिक्स हो गया, बस इतना ही करना है लाइट मेकअप के लिए। उसके बाद अपने फेस के साइड के अकॉर्डिंग आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है। ओह शिट, ये तो पूरा टूट गया है। कैसे टूट गया है ये? मेरे पाउडर का हाल देखिए, पूरा टूट गया है, बट मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगी, इसको इसी में रहने देंगे। एंड कभी भी डायरेक्ट जो इसमें स्पंज दिया होता है उससे यूज नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारा जो मेकअप होता है वो बहुत ज्यादा दिखने लग जाता है। तो ब्रश की मदद से आप हल्का हल्का लेके इस तरीके से यूज कर लोगे। ओके, उसके बाद अपना ब्लशर यूज कर सकते हो, हाइलाइटर यूज कर लो एंड आपका मेकअप डन हो चुका है। थोड़ा थोड़ा ब्लशर, ध्यान रखिएगा डे का टाइम है एंड आप ब्लशर जो गाल पे यूज कर रहे हो उसको नोज पे यूज जरूर करना है जिससे कि नेचुरल लुक आएगा। इसके बाद ये कलर, ये सीमर है मेरा, इसमें से मैं लाइट पिंक शेड या फिर कोई भी शेड लेके सिंपली अपने आई लिड पे अप्लाई कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहिए। जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैच होता हुआ ले लीजिएगा। अब बस आपको आईलाइनर लगाना है एंड आपका मस्कारा एंड आईलेसेस लगाना है तो आप लगा सकते हो, और स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। तो ये वाला लिपस्टिक है, इसको मैंने मीशो से परचेज किया था, अच्छा है बट इसमें ग्लिटर ही है तो ये मुझे पसंद नहीं आया उतना। लिपस्टिक लगा लिया, देन आई मेकअप, आईब्रो फील करने के लिए मैं यहाँ पे, कभी भी आईब्रो फील करने के लिए मैं ज्यादा हैवी प्रोडक्ट यूज नहीं करती एंड मैं एडवाइज भी करूंगी कि आप सिंपल नॉर्मल सा ये आई शेडो में से ही ब्लैक कलर का आई शेडो लेके और सिंपली अपने आईब्रोज को फील कर लीजिए, इससे क्या होता है नेचुरल लुक आता है, बहुत हैवी नहीं दिखती है आपकी आईब्रोज। ओके, इसके बाद आपको सिंपल हाइलाइटर लेना है और ब्रश ले लीजिए, हाइलाइटर ब्रश हो या फिर ये वाली ब्रश को इस तरीके से पकड़ना है फ्लैट करके
और इस तरीके से लेना है, नोज पे अप्लाई कर देंगे, जरा सा बिल्कुल ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि होली के लिए बता रही हूँ तो वैसे ही कलर यूज होने वाले हैं बहुत ज्यादा आपके फेस पे। और लास्ट स्टेप जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्किप नहीं करना है उसको। आपको लेना है मेकअप फिक्सर, वहां देखिएगा मेकअप फिक्सर, इतना करने के बाद हम अपना मेकअप फिक्सर लेंगे। हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है। मेकअप फिक्सर को आप फाउंडेशन से पहले भी अप्लाई कर सकते हो अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ बनाने के लिए। जब भी मेकअप फिक्सर अप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा फास्ट से नहीं अप्लाई करना है, थोड़ा सा हाथ को दूर रखना है एंड इस तरीके से अप्लाई कर देना है। देन इसके बाद अपना लाइनर अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा इसको ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद अपना मस्करा अप्लाई कीजिए। मस्करा के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को पहले आप निकाल दीजिए, अगर आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहेगा तो आपका मेकअप खराब कर सकता है या आपके फेस पे गिर के। ज्यादा सा मस्करा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। इसके बाद मैं लाइनर लगाऊंगी। लाइनर लगाने के बाद से आपको सिंपली व्हाइट काजल अप्लाई कीजिएगा अगर आपकी आईज को बड़ा दिखाना है तो। इस तरीके से लाइनर को अप्लाई कर लिया है। इनर कॉर्नर पे इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लेंगे। That's it. नीचे आपको लगाना है तो लगाइए, स्किप करना है आप स्किप कर सकते हो। विंग्स थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे व्हाइट काजल नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मैं ब्लैक काजल ही अप्लाई कर रही हूँ। बट आपको अपनी आईज को बड़ा दिखाना है तो आप व्हाइट काजल यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा लुक आता है। और एक हैक बता देती हूँ, जैसे आपका काजल बहुत ज्यादा फैलता है तो आप आईब्रो पेंसिल जो होती है उसको एज अ काजल की जगह पे यूज कीजिएगा, तो ये फैलती नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। हाइलाइटर दो जगह मैं भूल गई थी तो वहां पे भी जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। एक तो आपको जस्ट आईब्रोज के नीचे और इनर कॉर्नर पे, आईज के इनर कॉर्नर पे। तो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो चुका है, अब हम अपने हेयर स्टाइल बना लेंगे। जो भी आपको हेयर स्टाइल चाहिए वो आप हेयर स्टाइल कर लीजिएगा। तो फाइनल लुक है वो आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। तो ये है फाइनल लुक मेकअप का, सिंपल इजी क्विक मेकअप फॉर होली फेस्टिव सीजन या फिर नॉर्मल सी पार्टी वगैरह है तो आप इसको कर सकते हो। साइड मांग के साथ कुछ ऐसा लुक आएगा एंड सेंटर पार्टीशन के साथ इस तरीके से दिखेगा। तो आप वुमेन हो तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो एंड गर्ल्स हो तो भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, कैसा लगा आपको मेकअप। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ आप थोड़ा सा पफ का लुक बनाओगे तो भी काफ़ी प्यारा एंड ब्यूटीफुल सा लुक आएगा आपके हेयर स्टाइल का, सॉरी हेयर स्टाइल के साथ आपके मेकअप का। और आई मेकअप भी बिल्कुल सिंपल एंड इजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी कोई मेकअप लुक देखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, नेक्स्ट टाइम जरूर लेके आऊँगा।